ये भारतीय वायुसेना की ताकत का महज एक ट्रेलर है। हजारों फीट की ऊंचाई पर जब हिंदुस्तान के फाइटर जेट गरजते हैं तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है। विध्वंसकारी हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान को आसमान में चुनौती देने दुश्मनों के बस की बात नहीं। अगर LAC से LOC तक किसी भी दुश्मन ने हिमाकत की कोशिश की तो उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऐसे ऐसे शूरमा शामिल हैं जो मिनटों में दुश्मन की धरती को राख में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक ऐसा स्वदेशी योद्धा शामिल करने की तैयारी हो रही है जो राफेल जैसा ताकतवर होगा। योद्धा है तेजस मार्क 2। तेजस के अपग्रेड वर्जन LCA MK2 को डेवलप करने की मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकास पहलुओं का बढ़ावा देने के लिए हल्के लड़ाकू विमान तेजस के अपग्रेड वर्जन LCA MK2 को डेवलप करने की मंजूरी दे दी है। तेजस के मार्क 2 संस्करण के डिजाइन और विकास के लिए सरकार की तरफ से करीब 9,000 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। भारत सरकार ने LCA मार्क 2 डेवलपमेंट का अप्रूवल दिया है। ये इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता और भी मजबूत बनेगा। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रन्स की गिनती कम होती जा रही है और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि LCA मार्क 2 का डेवलपमेंट और इंडक्शन समय पर किया जाए। तेजस MK2 के 2024 में पहली उड़ान लेने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि तेजस का अपग्रेडेड वर्जन साल 2028 तक संचालन के लिए उपलब्ध होगा। तेजस मार्क 2 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जो कई मामलों में राफेल की क्षमता जैसा होगा। अब तेजस मार्क 1A से कितना दमदार होगा तेजस मार्क 2 ये भी जान लीजिए। तेजस के नए वर्जन में ज्यादा ताकतवर इंजन लगाया जाएगा। इसमें पहले से ज्यादा लड़ने की क्षमता होगी। तेजस मार्क 1A में GE F404 का इंजन लगा था जिसमें पीक पावर की क्षमता 83 किलो न्यूटॉन्स थी, लेकिन अब नए वर्जन में GE F414 का इंजन होगा। इसमें पीक पावर की क्षमता 98 किलो न्यूटॉन्स की होगी जिसकी वजह से इसकी उड़ान भरने की क्षमता तेजस मार्क 1 की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। तेजस मार्क 2 फाइटर प्लेन मौजूदा तेजस की तुलना में कहीं ज्यादा गोला बारूद और विस्फोटक ले जाने में सक्षम होगा। तेजस 1A का वजन 14.5 टन है जो तेजस के नए वर्जन में 17.5 टन पर पहुंच जाएगा। तेजस मार्क 2 करीब 4.5 टन पेलोड ले जाने में सक्षम होगा जबकि इससे पहले तेजस मार्क 1A में 3.5 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता थी। नया फाइटर स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे यानी कि AESA रडार से भी लैस होगा जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने की मदद करता है। जाहिर है कि इन सारी खूबियों की वजह से युद्ध के मैदान में दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की ताकत तेजस के नए वर्जन में कहीं ज्यादा होगी। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खासियत को देखकर अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश इसके मुरीद बन चुके हैं जिन्होंने कुछ ही दिन पहले ही तेजस के मौजूदा वर्जन को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस इस समय सारी दुनिया में धूम मचा रखा है। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसकी सबसे खासियत यह है कि इसका वजन काफ़ी कम है। करीब 6,560 किलोग्राम इस तेजस फाइटर जेट का वजन है जिसके चलते ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हथियारों को ले जाने में काफ़ी सक्षम है और फाइटर जेट जब बमबारी ये करता है तो उसके सामने कोई दूसरे विमान टिक नहीं पाते हैं।
साल 2027 के बाद नए स्वरूप वाला तेजस मिराज 2000, जगवार और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमानों की जगह ले लेगा। तेजस एयर कॉम्बैट और ऑफेंसिव एयर सपोर्ट के लिए एक शक्तिशाली फाइटर जेट के तौर पर उभरा है, जो टोही और एंटीशिप ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने की ताकत रखता है।